श्रावस्ती जनपद ने भीमगांव कोतवाली के अंतर्गत भीमगांव से लक्ष्मणपुर बाजार को जाने वाली मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन राहगीर इसी गड्ढे में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यही नहीं, कई लोग इसी रोड पर गिरकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर हम बात करें इस मार्ग पर ग्राम भुजंगा व संग्रामगंज गांव की, तो सड़क ने अपना तालाब का ही रूप धारण कर लिया है, जहां हल्की फुल्की बारिश होने से दोनों गांव में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं और लंबे लंबे वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई देखने तक नहीं आता, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल श्रावस्ती जनपद में कोतवाली भिनगा के अंतर्गत लक्ष्मणपुर बाजार को जाने वाली मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे बरसात आते ही इस रोड पर कई जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे छोटे छोटे व बड़े बड़े वाहन इसी रोड पर आकर फंस जाते हैं, जिससे काफी समय के लिए लंबी जाम लग जाती है और लोग घंटों इसी जाम में फंसे रहते हैं। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। आपको बताते चले कि जनपद का यह एक ऐसा मार्ग है जो सीधे जिला मुख्यालय को जाता है। कई गांव के लोग इसी रास्ते से होकर जिला मुख्यालय को जाते रहते हैं, लेकिन इस रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे को देखकर अब राहगीरों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस गड्ढे में आए दिन गिरकर राहगीर चोटिल हो जाते हैं। कई लोग इसी गड्ढे में गिरकर चोटिल ही नहीं अपनी जान भी गंवा चुके हैं, इसलिए बरसात आते ही अब लोग इस रोड पर चलने में डर महसूस कर रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना है, क्या इस रोड पर बने जख्म को कोई स्थानीय नेता आकर भरेगा, या चुनाव आने के समय हम लोग के बीच मर आकर लंबे लंबे वादा करके और निकल जाएगा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। हाँ, ये जो यहाँ पे रोड पे अभी आपकी गाड़ी फंसी हुई है, कहाँ से आप आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या हुआ है मामला? हम लक्ष्मणपुर से आ रहे थे, लक्ष्मणपुर पेट्रोल पंप से जी। तो यहाँ पे बोरी पड़ी हुई है जी, मैंने जो है हल्की सी गाड़ी दब गई इधर, तो उसका क्या नाम गाड़ी मेरी पलटते पलटते बची है पूरी गाड़ी। तो ये जो मिट्टी डाला गया है इसमें बोरी वाला, ये कच्ची मिट्टी है इसमें पड़ा हुआ है सब? ये कच्ची मिट्टी डाल रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है कोई भी हादसा हो सकता है, मेरे साथ नहीं किसी का भी साथ हो सकता है यहाँ जी। तो आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? मैं लखनऊ जा रहा था खाली करके जी। तो ये गाड़ी फंस गई, इसको कैसे आप निकालेंगे? कोई मतलब सुविधा आप यहाँ एरिया में किसी से आपने मदद ली? अभी तो नहीं ली है, अब देखेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन जो निकाला जाएगा, फिर गाड़ी तो निकाली जाएगी जी। इस रोड पे चलते हैं, आप लोग को कैसा महसूस होता है? अरे इस रोड पे आने को कोई सकरता ही नहीं है बिल्कुल भी, परेशानी इतनी, दिक्कत इतनी है इस रोड पे, टूटा हुआ खत्म रोड है पूरा जी। ठीक है।